आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। भाजपा की प्रत्याशी सुलोचना रावत के समर्थन में अल्पसंख्यक मोर्चा का दिखा उत्साह। जोबट विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को न देखते हुए हर समाज का विकास किया है, चाहे वो आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोरोना काल में हर गरीब को 10,000 की बिना ब्याज की सेवा दी हो, 1 रुपए किलो अनाज हो, ऐसी तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सेवा का कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुलोचना रावत को अपना वोट देकर विजय दिलाने की बात कही, जिसमें उपस्थित अलीराजपुर जिले के अल्पसंख्यक अध्यक्ष इंदौर विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दीपक चौहान, विशाल रावत, रशीदा शेख, पार्षद फारूक खत्री, अनीश भाई, यूनुस सेठ, मम्मू भाई और तमाम मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति में बैठक रखी गई और भाजपा के पक्ष में वोट डालने की बात कही। जोबट से महेंद्र जैन के साथ वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। परिवर्तन ला सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग सोचिए, जो चल रहा है वो तो चलता रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर कहीं भी अगर परिवर्तन की सुगंध कहीं से मुझे आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि काम तो ठीक है, मैं तो आप लोगों से मिलने दोबारा आऊंगा कि आप ये पूरे देश के लिए एक संदेश रहेगा, पूरे विश्व के लिए एक संदेश रहेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस पे विचार करें और हम सब मिल करके इस देश को परम वैभव पर ले जाएंगे और पूरे विश्व में परम शांति पहुंचे, पूरे विश्व में परम शांति हो, इसके लिए हम सब मिल करके प्रयास करेंगे। इस बात का मुझे विश्वास है, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जो मुझे अपने बीच में बुलाकर इसने प्यार सम्मान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं सभी हमारे इस तरफ के जो लोग बैठे उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया और इतने सारे लोगों के बीच में। और ये जरूर है कि वहाँ पर मुझे भी वोट नहीं मिले थे, मगर अब मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है। हम लोग, मेरे पूज्य पिताजी कैलाश विजयवर्गीय जी, आप जानते हैं, वो उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, तो दिल से लोग जुड़े हुए हैं उनसे, तो हम लोगों हम